हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। जो है एक माइक्रोवेव है, तो इस ये बजाज का माइक्रोवेव है, तो आपको दिखाते हैं सब प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इसका प्लग इन कर लेता हूँ, स्विच ऑन है इसका यहाँ से। तो अभी देखते हैं, देखो यहाँ से तो ये ऑन ही है, टाइमर भी इसका ऑन है। ठीक है गाइस, तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। अभी इसको मैं खोलता हूँ, मोबाइल में स्टैंड पर लगा देता हूँ। तो मैंने इसके पेंच तो खोल लिए हैं और मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ इसको। तो गाइस, इसका जो है एक वायर भी जला हुआ है यहाँ पे, ये वाली वायर भी जली हुई है इसकी। थर्मोस्टेट है लगा हुआ है, तो ये स्पार्क होके जल गया। तो मैं इसको वायर को तो लगा देता हूँ, अभी इसको ऐसे जोड़ देता हूँ टेम्परेली। तो मैं इसको देखता हूँ एक बार कि गर्म हो रहा है नहीं। तो मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, देखो भाई अभी ये टाइमर, इसका टाइमर ऑन करता हूँ। देखो ये चल चुका है, तो मैं यहाँ से इसको हाई पे कर लेता हूँ, ये लो था। तो पानी रख लेता हूँ मैं। तो गाइज मैं देखो ये पानी रख लेता हूँ उसमें, वो फिर चला के देखता हूँ गर्म होगा कि नहीं। अभी देखो ये ऑन हो गया, आपको दिखा भी देता हूँ। देखो इसमें लाइट जल चुकी है अंदर, अभी ऑन है। देखो मैंने पानी भी रख दिया, तो मैं पानी बाहर निकाल के देखता हूँ। ये गर्म हुआ कि नहीं देखो, तो ये तो ठंडा ही पानी है गाइस, ये तो कितना भी गर्म नहीं हुआ पानी। तो मुझे लगता है इसका मैग्नेटोन भी ख़राब है। तो इसका मैग्नेटोन चेक करने का सबसे आसान तरीका है गाइस, कैसे चेक करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो इसमें मैग्नेटोन में जो थिंबल लगे हुए हैं, जैक लगा हुआ है इसका, ये आपको निकाल लेना है आराम से। पहले आपको जो है प्लग इसका निकाल लेना है, नहीं तो इसमें करंट बहुत हाई होता है, आपको चला के फिर नहीं निकालना बिल्कुल भी, ऐसी गलती भूल के भी मत कर देना। तो आपको ये वाला निकाल लेना है पहले, दूसरा वाला भी निकाल लेना है, किसी में दोनों इकट्ठे भी लगे होते हैं इसमें अलग अलग लगे हुए। तो आपको जो है हल्के से दूर कर लेना है, ये यहाँ से देखो जैसे मैंने कर लिया हल्के दूर। ऐसा आपको दूर कर लेना है, और फिर देखो मैं प्लग लगा देता हूँ उसका, और मैं इसको ऑन भी कर देता हूँ। देखो माइक्रोवेव ऑन हो चुका है, और आपको चेक करना है कि इसमें मैग्नेटोन ख़राब है या कुछ और फॉल्ट है। देखो ये आपको जो है पहले मैग्नेटोन पर टच कर लेना है पेंचकस ऐसे, ठीक है भाई। और फिर आपको जो है देखो इस पर थिम्बल पर यहाँ चेक कर लेना है, देखो स्पार्क कर रहा है। तो अब दूसरे वाले में भी चेक करना है आपको कि स्पार्क हो रहा है नहीं, ये देखो तो ये स्पार्क कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है। अभी आपको उसको यहाँ से बंद कर लेना है, मेन प्लग से निकाल देना है। और इसमें गाइस इसमें जो करंट रहता है, पहले आपको जो है हल्का सा इस पर टच करना है, देखो इसमें करंट निकल जाएगा, नहीं तो बहुत ज़ोर से झटका लगेगा आपको। और फिर आपको जो है दूसरे वाले में भी करंट है, दोनों को निकाल लेना है। तो ये मैग्नेटोन ख़राब है और इसमें करंट आ रहा है, क्योंकि अगर इसमें करंट नहीं आता तो इसमें फिर यहाँ पे लगे हुए होते हैं। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला ये डायोड हो गया, ये भी ख़राब हो जाता है कई बार इसमें जो है कैपेसिटर होता है लगा हुआ है, ये वाला ख़राब हो जाता है, और इसमें एक फ्यूज भी लगा हुआ होता है, तो फ्यूज भी ख़राब हो जाता है। तो इसमें अगर ये इनमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी इनमें से, तो उसमें यहाँ करंट नहीं आएगा फिर इन वाले थिम्बल में जो मैंने आपको चेक कराया है। तो अभी हम इसमें मैग्नेटोन दूसरा लगाएंगे, तो आपको दिखाते हैं फिर कि गर्म कर रहा है कि नहीं। तो गाइस हम जो है इसमें ये न्यू मैग्नेट ऑन है, देखो 610 है, ग्रैंड ग्राम से है। तो हम इसको लगाते हैं, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये आराम से इसमें फंसा लेना है।
तो मैं इसको लगा देता हूँ, अभी पॉज कर रहा हूँ मैं वीडियो को। तो गाइस मैग्नेटोल लगाने के लिए क्या करना है आपको, ये पहले आपको इधर से यहाँ से बिठा लेना है, इधर की साइड में पत्ती देखो, ये आपको ऐसे पहले पत्ती फंसा लेना है ऐसे। ऑफिस में अंदर भी एक पत्ती है लगी हुई देखो यहाँ पे ना, आपको शायद दिख जाएगी, ये देखो पत्ती है, इसमें खांचा बना हुआ है, आपको खांचे में फंसा लेनी है फिर आराम से। तो मैग्नेटोम देखो लग चुका है, तो ये देखो इधर का भी नट लग जाएगा, इधर का भी दो पेंच में लग जाएंगे, तो मैं इसके पेंच भी लगा देता हूँ। आपको जो आराम से ले जाना है, नहीं तो उसमें मैग्नेट होती है, मैग्नेट पर चिपक जाएगा जाके आपका पेंच। तो फिर दूसरा पेंच लगाता हूँ मैं, तो दूसरा पेंच भी लग चुका है। और मैं अब ये गाइस ये जो है इसके थिम्बल ये लगा लेता हूँ, आपको अच्छे से लगा लेना है, लूज नहीं रखना थिम्बल को, नहीं तो फिर स्पार्क करेगा, मैग्नेटोन ख़राब हो जाएगा। तो ये थिम्बल लग चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गर्म करता है कि नहीं। अभी हमने जो है ये ऐसे ही छोड़ दिया, इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे, बाईपास कर देंगे वायर को, तो उसमें टेपिंग कर देंगे, फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी कोई खास। तो मैं इसके अभी प्लग इन कर लेता हूँ मैं, तो स्विच ऑन कर दिया, देखो अभी माइक्रोवेव चलाते हैं, मैं पानी रख लेता हूँ गाइस। तो ये देखो ये पानी है, अब मैं इसका टाइमर ऑन करता हूँ, ये मैंने इस पर फुल पे किया हुआ है यहाँ पे। चालू है लाइट, अंदर जल रही है इसमें, अब तो आप देखोगे देखो पानी गर्म हो चुका है बहुत अच्छे वाला, देखो इसमें से धुआं निकल रहा है पानी में से, स्टीम बन चुकी है इसमें, ये देखो। तो गाइस अगर आपका भी माइक्रोवेव ख़राब हो और काम ना कर रहा हो तो आप उसमें आराम से मैग्नेटोन चेंज कर सकते हो। तो देखो मैंने इसमें मैग्नेटोन चेंज किया है, अब मैं इसको क्या करूँगा, ये वाली जो वायर है गाइस ये वाली, तो मैं इसको बाईपास करूँगा, तो मैं इस वाली वायर को यहाँ से काट दूँगा, इस वाली वायर को यहाँ से काट के ना आप इसमें जॉइंट कर दूँगा और फिर माइक्रोवेव चालू हो जाएगा इसको, तो मैं फेंक ही दूँगा, इसकी इसी खास ज़रूरत भी नहीं है। और देखो उसकी पत्ती भी आई, पत्ती भी लगा लेनी है आपको, ये पत्ती इसमें ऐसे आ जाएगी पत्ती इसकी, पत्ती यहाँ पे आ जाएगी, इसमें नट लग जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।